नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है जो अपनी प्रश्नावली आज 5.2 पे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो हमारा 5.2 का पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या कह रहा है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ ए प्रथम पद, सर्वांतर डी और यनवा पद एन है। मतलब कि ए हमारा प्रथम पद है, डी हमारा सर्वांतर है, यन हमारा पदों की संख्या है और एन जो लिखा है वो हमारा यनवा पद लिखा है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसको। इसमें जो है 5.2 की ये हमारी पहले 5.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है और देखते हैं। तो हमको सबसे पहले हमने, अगर आपने पहला वीडियो दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई की तरह बना हुआ है कोने में, यहीं पर कोने में टक देखेंगे, एक बार स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई की तरह बना हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ हमारा जो पुराना वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसके बाद अगर इसको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो हमको क्या क्या दिए हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए बराबर 7, डी बराबर 3, यन बराबर 8। निकालना क्या है, हमको निकालना है an बराबर an का मान हमको निकालना है। हमने बताया है कि अगर हमको पहला पद दिया गया रहे और सर्वांतर दिया गया रहे तो हम चाहे जितने पदों को निकालना हो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, चूंकि हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा है क्या कि an बराबर या फिर tn बराबर, ठीक, जहां पे tn जैसे an है उसी तरह हम इसको tn भी लिख सकते हैं। तो tn बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए बराबर है बराबर, a प्रथम पर हमको दिए हैं 7 तो a के नीचे 7 लिख दिए, प्लस है प्लस n, n का मान हमको 8 दिए हैं माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान हमको कितना दिए हैं 3। तो 7 और प्लस 8 में से एक गए 7 इंटू 3, यानी कि 7 प्लस 7 21, तो ये बराबर हो जाएगा 28, यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो इसका मतलब कि पहले वाले में क्या हो जाएगा 28। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरे वाले में हमको दिया गया है कि दूसरे वाले में दिया गया है a बराबर माइनस 18, n बराबर 10 और an बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है d बराबर। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आपको ये सूत्र पता है, ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, अगर दूसरा नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन पहला वाला जरूर देखिए क्योंकि वो बेसिक है, पूरा बेस मैंने उसमें बताया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो कि हमको पता है, क्या पता है कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन हमारा यनवा पद है, जिस तरह ए एन लिखा है ए एन वही टी एन है, इसको हम चाहे टी एन लिखें और चाहे ए एन लिखें, ठीक, तो दोनों चीज एक ही है, चाहे टी एन बोलिए चाहे ए एन बोलिए। टी एन का मतलब यनवा टर्म और ए एन का मतलब जो दिया गया है इसमें, तो वही चीज है। तो ए एन बराबर हमको 0 दिए हैं, बराबर ए का मान माइनस 18 दिए हैं, प्लस एन का मान हमको 10 दिए हैं माइनस 1 इंटू डी, डी का मान हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर माइनस 18 और प्लस ये हो जाएगा 9 डी। तो यहां से 18 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस 18 है, माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, यानी कि 18 बराबर 9 डी, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 18/9 या फिर 9 × 18, डी का मान आ जाएगा हमारा 2, तो डी का मान इसमें 2 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में हमको ए का मान निकालना है, डी का मान माइनस 3 दिए हैं, एन का मान 18 दिए हैं और एन का मान माइनस 5 दिए हैं। तो हम चूंकि जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी एन या ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हमको दिए हैं माइनस 5,
तो an के नीचे लिख देंगे माइनस पांच बराबर a, a का मान हमको निकालना है और प्लस n, n का मान है 18 माइनस a इंटू डी, डी का मान है माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पांच बराबर a प्लस 18 में से अगर हम एक हटा देंगे तो हमारा बचेगा क्या 17 बचेगा, तो ये हो जाएगा 17 और इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस पांच बराबर a और प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 3, तो 17 त्रिक 17 दूनी 34, 17 त्रिक 51, तो ये हो जाएगा इतना। अब ये माइनस 51 इधर आएगा तो प्लस 51 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 51 माइनस 5, तो a बराबर, अब 51 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46, यही आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि तीसरे क्वेश्चन में a का मान क्या आ गया 46। इसी फार्मूले पे चौथा और पांचवा आपको करना है, आप करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इसमें कितना आ रहा है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हों चाहे नए हों तो शेयर भी इसको करते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि समांतर श्रेणी 7, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा, ये ऑप्शन दिया गया है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है ये, तो दूसरे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमको दिए हैं, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला पद हमारा क्या है, पहला पद हमको 10 दिए हैं, यानी कि a बराबर हमको कितना दिया गया है 10 दिया गया है। मैंने कहा है पहले वीडियो में मैंने बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए। कह रहा है कि चूंकि कोई भी समांतर श्रेणी का चाहे जो क्वेश्चन हो हम तीन चीज निकालने की कोशिश करेंगे, प्रथम पद, सार्वांतर। अगर ये प्रथम पद और सार्वांतर हमको पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, और किसी किसी क्वेश्चन में अगर यनवा पद लगा पता है तब हम क्वेश्चन लगा देंगे। तो इसलिए सबसे पहले ए और डी का मान निकालिए। ए का मान है 10, डी का मान देखिए हमने बताया है कि दूसरे पद में से पहला पद आप घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपको डी का मान मिल जाएगा। तो दूसरा पद यानी कि T2 और पहला पद यानी कि T1, तो T2 में से T1 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सर्वांतर मिल जाएगा, अर्थात 7 माइनस 10। अगर अभी 10 में से 7 घटाना होता तो 3 आ जाता, लेकिन जब उल्टा घटाएंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, यानी कि -3। और हमको कह रहा है का 30वां पद याद कीजिए, 30वां पद याद कीजिए, इसका मतलब कि n का मान कितना दिए हैं 30, जहां n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, तो पदों की संख्या यानी कि nवां पद क्या है 30, यानी कि 30वां पद हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करना है तो यानी कि T30 बराबर a प्लस, मैंने बोला है जब यहां n रहता है तो यहां n लिखते हैं, यानी कि अगर हम फार्मूला की बात करें तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn कितना दिया गया है हमको निकालना है, Tn का मतलब कि nवां पद होता है, और ये जो n दिया गया है ये 30वां पद है, यानी कि n की जगह पे क्या हो जाएगा 30 बराबर a, a का मान प्रथम पद है यानी कि 10 और प्लस n की यहाँ पे 30 माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान है माइनस 3, या फिर ये हो जाएगा 10 और प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 3 और 27 के साथ हंसते लगे दो, 3 2 6 2 8 87, यानी कि -77 यही आ जाएगा हमारा आंसर। कहीं समस्या हो तो कमेंट करिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पहला पद हमको दिए हैं -3, ठीक, हमने कहा कि दो चीज निकालेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर। सर्वांतर देखेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो चूंकि दूसरा पद हमारा माइनस में है इसलिए देकर भी लिखेंगे -1/2 + 3, या फिर 2 लघुत्तम ले लीजिए -1 + 3 × 6, यानी कि 5/2। a का मान -3, b का मान 5/2, कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि n बराबर 11। अगर अभी यही पद होता कि 11वां पद 20 है
तो हम यहाँ यन ना लिखते, यहाँ लिखते टी एन बराबर ग्यारह। तो ग्यारहवां पद निकालना है, क्योंकि हमको पता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमको ए का मान पता है, डी का मान पता है, एन का मान पता है, तीनों मान इसमें रख देंगे। ए बराबर माइनस तीन है, एन का मान ग्यारह है, डी का मान पांच बटे दो है। तो माइनस तीन और प्लस ग्यारह में से एक घटा देंगे तो दस आ जाएगा। दस गुणे पांच बटे दो, तो दो पंचे दस, यानी कि माइनस तीन और प्लस पचम पच्चीस। तो इसको जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा बाईस, यही आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में हमको श्रेणी पूरी करनी है, समांतर श्रेणी है ये बताए हैं, हमको मान दिया गया है, इसमें संख्या भरनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि टी वन टी टू टी थ्री, ठीक, इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। हमने कहा कि अगर हमको प्रथम पद और समांतर मिल जाएगा तो हम चाहे जो श्रेणी पूरा करेंगे पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पे देखेंगे तीसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो तीसरे के पहले क्वेश्चन में है दो डैश और छब्बीस। हमने कहा क्या, हमने कहा कि अगर हम दूसरे पद में से पहला पद घटा दें और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दें तो हमको बराबर मान मिलेगा, था डी का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। अगर हमको डी का मान निकालना है तो इसमें देखिए पद कितने हैं, एक दो तीन पद कितने हैं, तीन। तो यानी कि यन बराबर तीन, जितने पद होते हैं वही हमारा यन का मान। अगर यहाँ चार पद होते तो यन का मान चार, जैसे इसमें देखिए एक दो तीन चार, इसमें चार पद है यानी कि यन बराबर चार, इसमें एक दो तीन चार, इसमें भी चार पद है यानी कि यन बराबर चार, इसमें एक दो तीन चार पाँच छह पद है यानी कि यन बराबर छह। यानी कि जितने पद रहे उसी को गिन लीजिए, वही हमारा यन है। तो यन बराबर इसमें तीन दिए हैं, प्रथम पद इसमें कितना दिए हैं, दो, पहला पद यही है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें प्रथम पद नहीं दिए, इसमें बात करें तो इसमें प्रथम पद दिए कितना, पांच, इसमें बात करें तो इसमें प्रथम पद दिए हैं माइनस चार। तो वही चीज, इसमें यन एक अमान दो। फिर देखिए अंतिम पद का मतलब क्या हुआ कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरा पद टी एन यानी कि यनवा पद, अर्थात यहां तीन है इसीलिए टी थ्री हमको दिए कितना, छब्बीस दिए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चौथा पद हमको कितना दिए हैं, तीन दिए हैं, यानी टी फोर बराबर कितना दिए हैं, तीन दिए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद नौ सही एक बटे दो दिए हैं, अर्थात टी फोर बराबर नौ सही एक बटे दो। अगर हम इसकी बात करें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, यानी कि टी सिक्स बराबर हमको कितना दिए हैं, छह दिए। तो यही चीज है, आखिरी पद हमको टी थ्री दिए हैं छब्बीस। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है दूसरा पद। हमने कहा क्या कि अगर हमको पहला पद और समांतर मिल जाएगा तो जो भी पद निकालना होगा निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं डी। तो डी निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला पता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन, एन का मतलब तीन, तो जब तीन रखेंगे तो टी थ्री बराबर ए, ए का मान दो है, प्लस एन, एन का मान तीन है, माइनस वन इंटू डी का मान निकालना है। T3 का मान क्या दिए हैं, 26, यानी कि 26 बराबर 2 प्लस 3 में से गए 2 डी में। तो यह 26, ये 2 इधर लेके आइए, 26 माइनस 2 बराबर 2 डी के, या फिर 2 डी बराबर 26 में से 2 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। तो D बराबर 12, यानी कि D का मान हमको 12 मिल गया। पहला पद हमको दिए हैं तो दूसरा पद, ये दूसरा पद है ना, तो चाहे हम निकाले दूसरा पद, और अगर दूसरा पद हिंदी में ना लिखना चाहे तो इसको मान ले टी टू, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, टी टू बराबर ए प्लस डी। तो ए हमारा प्रथम पद है कितना, दो, और प्लस डी हमारा समांतर है कितना, 12, तो 12 दो 14, यानी कि टी टू का मान कितना आ गया, 14 आ गया। इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखें,
तो दूसरा नहीं, तीसरा देखिए आप, तीसरा थोड़ा इसमें बटे में है, दूसरा भी इसी तरह लगेगा, इसको आप लगाइएगा आंसर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं अगला, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, टी का मान हमको दिए हैं 5, यन का मान हमको दिए हैं 4 और T4 हमको दिए हैं 9 सही 1/2, या फिर इसको करें तो 9 × 2 = 18 है 19/2। ए बराबर दिए हैं, यन बराबर दिए हैं, टी एन बराबर दिए हैं और हमको फार्मूला पता है कि टी एन बराबर यही होता है। इसी फार्मूले में मान रख के हम सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। कोई भी श्रेणी हमको बनानी हो तो हम पहले ए का मान और डी का मान, यही दो मान निकालेंगे। तो चलिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन हमको दिए हैं 19/2, ए बराबर दिए हैं 5, एन बराबर दिए हैं 4, डी का मान निकालना है। 19/2 = 5 और प्लस 4 में से 1 गए 3, डी, ये 5 घर लेके आइए, 19/2 - 5 = 3 डी। या फिर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो 19 - 5 × 10/2 = 3 डी, इसका इसका गुणा कर देंगे तो 6D = 9, तो डी बराबर 9/6 या फिर 3 × 9 = 3 × 6, डी का मान आ गया 3/2, डी का मान 3/2 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना था इसमें, हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है T2 T3। तो पहले T2 निकालेंगे, तो T2 = A + D, A का मान है 5 और D का मान निकाले 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10 = 13/2, यही आ जाएगा आंसर। T3 अगर निकालेंगे तो T2 + D, T2 कितना है 13/2 प्लस D कितना है 3/2, 13 × 3 = 16/2, यानी कि 2 × 8 = 16। कहीं भी समस्या हो तो बताइएगा, हम उसको फिर से बताएंगे। आपका होमवर्क इसमें क्या है कि सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 2, ये दो क्वेश्चन आप सेम टू सेम इसी तरह लगाएंगे। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। पहला पद क्या है 3, दूसरा पद यानी कि दूसरा पद दिए हैं तो सर्वांतर हमको निकालना है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो सर्वांतर हमारा आ गया 5। कह रहा है कौन सा पद 78 है, मान लीजिए यनवा पद 78 है तो टी यन बराबर हमको दिए हैं 78 और यन का मान निकालना है। तो चलिए वही फार्मूला पुराना वाला, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, टी एन बराबर है 78, ए का मान है 3 और प्लस एन माइनस वन इंटू टी का मान है 5, 78 - 3 = n - 1 × 5, घटा दीजिए 75 = n - 1 × 5, 5 को इधर लेके आइए तो ये 75/5 हो जाएगा n माइनस 1, या फिर n माइनस 1 बराबर इसको काट दीजिए तो 15 आ जाएगा, तो n बराबर 15, ये माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 बराबर 16। इसका मतलब कि 16वां पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसमें हमको n का मान निकालना है और यनवा पद हमको दिए हैं 205, a बराबर कितना है 7, D बराबर कितना है दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 13 में से 7 घटा देंगे तो 7 × 6 = 13, D का मान 6 आ गया। यनवा पद 205 है, Tn बराबर 205, तो n बराबर निकालना है, फार्मूला यही है, इसी फार्मूले में रख करके मान निकाल देंगे। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसमें A बराबर 18, D बराबर 15 सही 1/2, तो 15 सही 1/2 का मतलब हुआ 15 × 30 और प्लस 31/2, तो D का मान आ जाएगा 31/2 - 18, या फिर 2 लघुत्तम ले लीजिए 31 - 18 × 36, या फिर 31 में से जब 36 घटाएंगे तो -5/2 आ जाएगा। और यनवा पद यानी कि Tn बराबर दिए हैं -47 और यन का मान हमको निकालना है। तो ये आज 5 सवाल हमने बताया,
जो होमवर्क दिए हैं ये आप लोग करिएगा, कहीं समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट में हमको उसका आंसर मिलना चाहिए। अगर आंसर मिलेगा तभी जो है आगे बताएंगे। और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।